और मुझे लगता है कि इंडिया का ही है वर्ल्ड कप डे वन से सारे मैच है भाई 19 तारीख तक हम लोग देखेंगे, इतने सारे मैच बैठ के देखने हैं। वर्ल्ड कप इंडिया कप के हाथ इंडिया के हाथ में पकड़ाए और हमें जो है वो सुख लेने थे बस। श्रीलंका जो है ना वो शुरू में ही डर गई थी स्कोर देख के, जो चेज नहीं हो सकता था तो वो वहीं पे बैठ गई। सारे ये समझ रहे थे कि जो श्रीलंका है वो बड़े जबरदस्त तरीके से बदला लेने के मूड में है, रिवेंजिंग टीम चलेगी बड़ा जबर खेलेगी इंडिया के खिलाफ। लेकिन आज हम बात करते चले अय्यर की, वाओ आज उनका जो एक सिक्स था उसकी तारीफें बड़ी हो रही हैं कि 106 मीटर का एक सिक्स लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल, देखें मैंने हमेशा से गाया है, जब भी मुझसे इंटरव्यू हुआ है तो मैंने यही बताया, इंडिया एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, उनका एक एक जो प्लेयर है वो इट्सेल्फ एक बॉम्ब है, वो किस हर चीज़ में आगे हिंदुस्तान निकल गया है, इसी तरह उनकी टीम में भी नज़र आती है। जब यूनिटी कहीं भी आएगी, जब कोई भी मुल्क मेहनत करेगा, पहले ऑस्ट्रेलिया में यूनिटी कितनी होती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी को हारने नहीं देती थी, ठीक है। फिर भारत ने जो है वो श्रीलंका को हरा दिया बुरे तरीके से, अनस्टॉपेबल जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरी ये बच्चे बच्चे को पता था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने हारना था, आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या श्रीलंका सोच भी सकता है इंडिया को हराना। वो तो शुक्र करें विराट कोहली और शुभमन गिल की विकेट गिर गई, सेंचुरीज नहीं कर पाए, ठीक है। नीचे से रियाज अय्यर भी 88 पे आउट हो गया है, अगर इन दोनों की सेंचुरी हो जाती तो आपको मैच शायद, शुभमन गिल ने जैसे डबल सेंचुरी मारी थी साल के स्टार्ट में, आपको साल के एंड में उनकी फिर डबल सेंचुरी नजर आई थी शुभमन गिल की, वो बहुत अग्रेसिव से खेल रहे थे, उनकी बहुत गलत शॉट लगी थी, कट शॉट लगाई है जो, और विराट कोहली भी अपना गलत खेले हैं, उनको बॉलर्स ने आउट नहीं किया, दोनों बॉलर्स को विराट कोहली और शुभमन गिल अपनी गलती से आउट हुए हैं, ठीक है। अगर वो दोनों आउट ना होते आज, जेन्युइनली मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद इंडिया 450 मारेगा, हमें 400 या 450 स्कोर नज़र आ रहा था। देखिए गिरते गिरते फिर भी 350 रन स्कोर किया और इंडिया ने कितने इजीली डिफेंड किया। उनकी पिच पर जाके वहाँ पर ये मनवा सकते हैं कि हम आपके बाप हैं, तो अब अपनी पिच पे क्या करेंगे, अपनी पिच पे तो किसी को टिकने ही नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये मैच उन्होंने जीतना ही था और मुझे लगता है कि इंडिया का ही है वर्ल्ड कप डे वन से सारे मैच है भाई 19 तारीख तक हम लोग देखेंगे, इतने सारे मैच बैठ के देखने हैं। वर्ल्ड कप इंडिया कप के हाथ इंडिया के हाथ में पकड़ाए और हमें जो है वो सुख लेने थे बस, ठीक है। सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया जितने भी मैच जीत रहा है वो फिक्स है, बल्कि अब तो पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। पहले ये लोग कहते थे कि इंडिया को उनकी होम ग्राउंड पे खेलने का एडवांटेज है, श्रीलंका में जब लोग ये लोग खेले थे तब भी क्या मैच फिक्स था, हाँ। जब आप लोग अफगानिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऐसी टीमों से हार रहे थे तब भी क्या मैच फिक्स हाँ। होता है, ठीक है। जब जो है वो ऑस्ट्रेलिया हारता है तब भी आप लोग कहते हैं कि मैच फिक्स था, मतलब व्हाट द हेल, ये लेम एक्सक्यूजेज है जो दे रहे हैं। खुद की प्रैक्टिस इन लोगों की कंप्लीट नहीं है, 4 साल इन्होंने सिर्फ रेस्ट किया है, एक भी दिन प्रैक्टिस। श्रीलंका जो है ना वो शुरू में ही डर गई थी स्कोर देख के, जो चेज नहीं हो सकता था तो वो वहीं पे बैठ गई। सारे ये समझ रहे थे कि जो श्रीलंका है वो बड़े जबरदस्त तरीके से बदला लेने के मूड में है, रिवेंजिंग टीम चलेगी बड़ा जबर खेलेगी इंडिया के खिलाफ। लेकिन आज हम बात करते चले अय्यर की, वाओ आज उनका जो एक सिक्स था उसकी तारीफें बड़ी हो रही हैं कि 106 मीटर का एक सिक्स लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल, देखें मैंने हमेशा से गाया, जब भी मुझसे इंटरव्यू हुआ है तो मैंने यही बताया, इंडिया एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, उनका एक एक जो प्लेयर है वो इट्सेल्फ एक बॉम्ब है, वो किस टाइम पे कब लॉस्ट हो जाए और वो आपको एक सरप्राइज दे दें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज जो जिस तरह सिक्सेस लगे हैं आप देखें, उनकी जो बॉलिंग थी शुरू में आप देखें, मैंने अपनी हिस्ट्री में जितने मैचेस देखे हैं मैंने आज तक, मेरे लिए ऐसे मतलब एक सरप्राइजिंग सिचुएशन थी कि विकेट्स ज़्यादा थी स्कोर कम था। क्या कहेंगे, लगातार आज 7वां मैच इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जीत गया है, वही हुआ जिसकी हम सबको उम्मीद थी। क्या कहेंगे, इंडिया की स्ट्रीक टूट नहीं रही, 7 के 7 मैचेस इंडिया जो है लगातार जीत गया है, 7वां भी जीता है, 8वां भी जीतेगा, 9वां भी जीतेगा, 10वां भी जीतेगा, फाइनल में फिर मुकाबला होगा पाकिस्तान से। अभी भी उम्मीद है वाबस्ता है पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की। देखें ICC इवेंट को प्लान करता है, इवेंट को प्लान करने के बाद अगर ICC पैसा कमाना चाहता है तो वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान बचा रहे, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचे। तो देखें अब साउथ अफ्रीका और सारे मामला हमने देखे और पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान की भी उम्मीदें बाकी रहेंगी। बहरहाल इंडिया की क्या तारीफ करें, उसने तारीख साज रकम कायम कर दी है, तारीख रकम कर दी। अगर आगे श्रीलंका की टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ, या इंडिया की बॉलिंग जो है ज़बरदस्त हो चुकी है। नहीं, इंडिया की हम इस वर्ल्ड कप में देखें और पिछला एशिया कप में देखें तो इंडिया का जो ना बहुत ज़्यादा हाई क्लास की टीम बन गई है। आप उसकी बॉलिंग देखें, आप उसकी बैटिंग देखें, आप उसकी फील्डिंग, मतलब तीनों डिपार्टमेंट जो ना तीनों हाई क्लास है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो इस हवाले से इस तरह लगता है कि फाइनल इंडिया का ही है, फाइनल इंडिया का, हाँ इंडिया का ही लगता है। फाइनल की तो सीट आज बुक कर ली है मैच जीत के, तो फाइनल में क्या लग रहा है कौन सी टीम दूसरी होगी फाइनल में, इंडिया के अलावा कौन सी टीम फाइनल में? मुझे लगता है इस तरह कि अफ्रीका आएगा,
अफ्रीका, जिस तरह उनका इंटेंट है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आउट मतलब बेस्ट है। हर चीज में आगे हिंदुस्तान निकल गया है, इसी तरह उनकी टीम में भी नजर आती है। जब यूनिटी कहीं भी आएगी, जब कोई भी मुल्क मेहनत करेगा, पहले ऑस्ट्रेलिया में यूनिटी कितनी होती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी को हारने नहीं देती थी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई यूनिटी नहीं है और अपने अपने लिए सब खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया वाले कापी अब कर रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ ही जलील हो रहे हैं। अब यार सबने कहना है भारत खेलता बहुत अच्छा, भारत ने कीमा कर दिया सबका, कीमा मैं कह रही हूँ बुलडोजर चला दिया श्रीलंका पर। चलना चाहिए था यार बाकियों पे, क्यों यार तैयारी करके आते हैं, इंडिया का मुकाबला करना है। इंडिया कोई छोटी छोटी मोटी थोड़ी ना टीम, इतनी अच्छी टीम है, तो जब इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए आए तो तैयारी तो करके आए ना। जब अच्छा आज विराट कोहली की और गिल की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की रही है, विराट कोहली ने 88, गिल ने 92 किया, मतलब पार्टनरशिप हो तो ऐसी हो, बाबर आजम भी कुछ सीखे। यह इंडिया की पार्टनरशिप वाकई में बहुत अच्छी है और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहूँगी पाकिस्तान को भी हल्के फुल्के नसीहत देना चाहूँगी कि ना वो लोग भी इस तरह से पार्टनर बन के रहें और आगे जाकर बहुत अच्छा खेल के आए। इंडिया की बॉलिंग लाइन माना वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है यार, ठीक है, मजा करा दिया। वो हमें वो दिन याद आ गया जो एशिया कप में श्रीलंका के साथ किया था ना इंडिया ने 50 पे ऑल आउट, आज भी वैसा सीन होते होते रह गया। लाइक बुमराह इन फॉर्म है, शामी इन फॉर्म है, कुलदीप यादव देख लें, उनके कितने कितने बड़े बॉलर्स हैं। पहले वक्त था हम कहते थे यार पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान 250 भी करेगा रोक लेगा, इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग नहीं, 200 करो आपको रोके दिखाएंगे, आपको विकेट रोके, आपको विकेट ही उड़ा के दिखाएंगे, आपको अगर 400 मारोगे ना आपको उनके जो बैट्समैन इंडिया के वो आपको 400 चेज करके दिखाएंगे। ऐसी टीम क्या पूरी दुनिया में आपको नजर आती है? पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान बहुत दूर तक है, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नजर आती है? नहीं भाई, इंडिया हैज़ प्रूव्ड वो नंबर वन है, उनके पास नंबर वन बॉलिंग है, हमारा शहीन कल नंबर वन बॉलर बना है, किसी काम का नहीं है, बुमराह नंबर वन है, उसकी बॉल कितनी स्किट होती है, शमी नंबर वन बॉलर है, इतनी इतनी बड़ी इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, कुलदीप यादव को देख ले बॉल फेंकता है, किसी को नहीं पता तो कितनी ब्रेक होनी है, सिर्फ बॉलर को पता होता है, हमारे राइट आर्म स्पिन बॉलर फुल टॉस बॉलर। दोस्तों सभी ने मीटिंग देखा, पाकिस्तानी पब्लिक की रैकेट पर, पाकिस्तानी पब्लिक जो है इस मैच के जीतने के बाद, भारत की जीत के बाद पाकिस्तानी पब्लिक तो लग गई हैरान कि भारत जो है बैक टू बैक 7 मैच जीत चुका है और इतिहास बना दिया है जो कि 55 रन पर श्रीलंका को आउट करके। आप सभी को पता है एशिया कप में भारत ने फाइनल मैच में श्रीलंका को इसी तरीके से हराया था, जिस तरीके से अब कल का मैच में आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की किल्लिया उड़ा के रख दी। भारत ने एक इतिहास दोस्तों बनाया है कि रन से ज्यादा विकेट गिराए थे श्रीलंका के कल के मैच में, जो कि दोस्तों 3 रन 4 विकेट गिर चुके थे, पहले ओवर में 3 विकेट गिर चुके थे श्रीलंका के। पता नहीं पाकिस्तान की, आप सभी को बता दो पाकिस्तान कल परसों मैच दोस्तों कल, उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान क्या उसकी रहती है। पाकिस्तानियों को अभी उम्मीद है जो कि सिर्फ भारत से मैच होगा हमारा फाइनल में। पाकिस्तान की इतनी बुरी हार के बाद भी पाकिस्तानी अभी सोच रहे हैं कि हमारे पास जज्बा है और आगे हम बढ़कर जो कि फाइनल भारत को हराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो जो लाइक करना है, चैनल वीडियो सब्सक्राइब मिलते।